जब आप एक नॉर्मल वेरिएबल से कर रहे हैं तो डॉट लेकिन जब आप पी से कर रहे हैं तो आपको एरो यूज करना है ये आपको याद रखना है ओके हेलो वेलकम बैक टू द चैनल देख रहे हैं पॉइंटर टू स्ट्रक्चर्स इन सी तो देखिए, जिस तरह से आप एक नॉर्मल वेरिएबल के लिए पॉइंटर बनाते हैं उसी तरीके से आप एक स्ट्रक्चर वेरिएबल के लिए यानी जब एक स्ट्रक्चर आपने डिक्लेयर किया है उसका आप वेरिएबल बनाते हैं तो आप उस वेरिएबल को भी पॉइंट करने वाला एक पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हैं आइए जानते हैं कैसे इन सी यू कैन यूज़ पॉइंटर्स टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के जो मेम्बर्स होते हैं उन्हें आप पॉइंटर्स की मदद से एक्सेस कर सकते हैं ठीक है अ पॉइंटर टू स्ट्रक्चर ध्यान देंगे अ पॉइंटर टू स्ट्रक्चर इज़ अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द मेमरी एड्रेस ऑफ अ स्ट्रक्चर वेरिएबल आइए देखते हैं कैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका हाउ टू डिक्लेयर पॉइंटर्स टू स्ट्रक्चर इन सी ये देखिए ये हमारा एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है स्टूडेंट कीवर्ड हमने यूज़ किया स्ट्रक्ट जैसा कि हमें करना है देन कैर इंट और फ्लोट ये तीन डेटा मेंबर्स हैं तीन अलग अलग डेटा टाइप्स के देन एक कैर टाइप का डेटा मेंबर है एक इंट टाइप का है एक फ्लोट टाइप का है और हम यहाँ पर एस वन एक वेरिएबल बना रहे हैं जो कि स्टूडेंट टाइप का है तो एस वन में क्या क्या होगा नेम एज एंड जी पी एके

तो उस पॉइंटर का टाइप भी वो स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसे आपको पॉइंट कराना है तो हमारा स्ट्रक्चर का नाम क्या था स्टूडेंट है ना तो हमें कैसे करना है कीवर्ड यूज करेंगे स्ट्रक्ट देन वो स्ट्रक्चर का नाम और फिर इंडेरिक्शन ऑपरेटर एंड देन पॉइंटर नेम तो यहाँ पर पॉइंटर पी टी आर अंडर स्कोर एस जो है ये एक स्टूडेंट टाइप का पॉइंटर है तो ये पॉइंट भी किसे करेगा स्टूडेंट स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल को नाउ वी देन असाइन द मेमोरी एड्रेस ऑफ एस वन एस वन जो हमने वेरिएबल बनाया था उसके एड्रेस को हम पी इसमें असाइन कर देंगे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर की मदद से कुछ इस तरह से पी में हमने क्या डाल दिया एड्रेस ऑफ एस इसका मतलब ये है क्या है ऐसा कुछ होगा कि नाउ हो पी जो है वो किसे पॉइंट कर रहा है एस को ये है हमारा एस जिसके पास है नेम एज और जी पी एके अब एक अहम बात देखिए जब हम एक नॉर्मल स्ट्रक्चर वेरिएबल की मदद से डेटा मेम्बर को एक्सेस करते हैं तो हम डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं जैसे एस वन डॉट नेम लेकिन यहाँ पर हम पी टी आर पॉइंटर जो हमने डिक्लेयर किया उसकी मदद से हम स्ट्रक्चर में जो हमारे डेटा मेंबर्स हैं उनको एक्सेस करने वाले हैं तब हमें यहाँ पर काम आता है एरो ऑपरेटर एरो ऑपरेटर कैसे बनता है हाइफन और ये एंगुलर ब्रैकेट जो होता है राइट right वाला एंगुलर ब्रैकेट या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं ग्रेटर देन वाला जो सिम्बल होता है उससे तो कैसे लिखेंगे पी टी आर अंडर स्कोर एस एरो नेम इसका मतलब कि पॉइंटर जिस स्ट्रक्चर वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है उसका नेम उसका नेम डेटा मेंबर जो है उसकी वैल्यू दिस ऑपरेटर इज यूज टू एक्सेस द मेंबर्स ऑफ अ स्ट्रक्चर थ्रू अ पॉइंटर टू दैट स्ट्रक्चर जब आप एक नॉर्मल वेरिएबल से कर रहे हैं तो डॉट लेकिन जब आप पी से कर रहे हैं तो आपको एरो यूज करना है ये आपको याद रखना है ओके okay? चलिए एक सिंपल सा प्रोग्राम ऐसे समझते हैं ये हमारा स्टूडेंट स्ट्रक्चर है एंड देन हम क्या कर रहे हैं मेन फंक्शन में हमने एक स्टूडेंट एस वन नाम का जो एक वेरिएबल है वो बनाया है जो कि स्टूडेंट स्ट्रक्चर टाइप का है और उसे हमने डिक्लेरेशन के टाइम पे इनिशियलाइज भी कर लिया है मतलब ये जो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज़ हैं वो अपने रेस्पेक्टिव डेटा मेम्बर्स में चली जाएंगी मतलब अभी चला जाएगा नेम में ट्वेंटी चला जाएगा एज में और थ्री चला जाएगा जी में ठीक है नाव हमने क्या किया इस लाइन में हमने क्या डिक्लेयर किया हुआ है एक पॉइंटर टू स्ट्रक्चर जो कि स्टूडेंट स्ट्रक्चर टाइप का है ओके okay? देन हम उसकी नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर रहे हैं ये जो हमने पॉइंटर टू स्ट्रक्चर है उसमें हमने एस वन के एड्रेस को पास किया है यहाँ पर देखिए इसका मतलब अब पी टी आर एस किसे पॉइंट कर रहा है एस वन को है ना ये हमारा एस वन है एस वन के पास नेम है ओके एज है एंड जी पी ए है ओके ये है हमारा एस वन हमने क्या किया पी टी आर एस में एड्रेस डाल दिया है तो अब ये इसे पॉइंट कर रहा है ठीक है पॉइंट कर रहा है तो हम इसे एक्सेस कैसे करने वाले हैं पी टी आर एरो पी टी आर एरो एज पी टी आर एरो जी पी ए इस तरह से तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ये हमने वैल्यूज़ तो पहले डाल ली थी लेकिन हम प्रिंट कराने के लिए हम उसकी वैल्यू को एक्सेस कैसे कर रहे हैं इस बार हम क्या कर रहे हैं एस वन डॉट नेम नहीं करेंगे क्यों क्योंकि एस वन एक नॉर्मल वेरिएबल है स्ट्रक्चर टाइप का अब हम इसे एक्सेस कर रहे हैं पॉइंटर की मदद से पॉइंटर टू स्ट्रक्चर की मदद से तो हमें यहाँ पर क्या फॉर्मेट यूज़ करना है पॉइंटर टू स्ट्रक्चर एरो member। तो यहां पर हमारा पॉइंटर टू स्ट्रक्चर क्या है पी टी आर अंडर स्कोर एस एरो नेम तो इसका मतलब क्या होगा ये यहां पर कंपाइलर से ये समझेगा कि अभी लाना है इस पार्ट में क्या समझेगा ट्वेंटी इस पार्ट में क्या समझेगा थ्री पॉइंट एट तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा नेम अवी एज 20 एंड जी पी ए इस तरीके से हम क्या करेंगे हम पॉइंटर टू स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे ये वीडियो हम क्यों समझ रहे हैं ताकि हम पॉइंटर टू स्ट्रक्चर की वर्किंग को समझ सकें तो यहाँ पे सबसे की पार्ट क्या है कि आपने जो भी वेरिएबल बनाया है स्ट्रक्चर टाइप का उसे आपको उसके एड्रेस को आपको पास कर देना है जो आपने पॉइंटर बनाया है सेम टाइप के स्ट्रक्चर का है ना किसी दूसरे स्ट्रक्चर का नहीं कैसे करना है सेम टाइप के स्ट्रक्चर के वेरिएबल का एड्रेस उसी टाइप के स्ट्रक्चर के पॉइंटर पे हम पास कर रहे हैं एंड देन हम पॉइंटर की मदद से उसे एक्सेस कर रहे हैं और पॉइंटर की मदद से हम कैसे एक्सेस करेंगे पॉइंटर टू स्ट्रक्चर एरो डेटा मेम्बर ठीक है चलिए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं सो so, ये वही प्रोग्राम है देखिए बिल्कुल एज इट इज़ प्रोग्राम है हम इसे इसे एग्जीक्यूट करेंगे ठीक है ये हो गया कंपाइल और ये हो गया एग्जीक्यूट तो सी नेम अवी एज ट्वेंटी जी पी ए थ्री पॉइंट एट जीरो ओके ये कैसे हुआ है क्योंकि हमने इस बार पॉइंटर की मदद से डेटा मेंबर को एक्सेस किया है इससे पहले जो हमने देखा था वीडियो उसमें हम क्या करते थे स्ट्रक्चर वेरिएबल की मदद से हम डेटा मेंबर को एक्सेस करते थे कैसे डॉट ऑपरेटर की मदद से क्योंकि हम यहाँ पर पॉइंटर की वर्किंग को समझ रहे हैं इसलिए हमें यह याद रखना ज़रूरी है कि जब आप स्ट्रक्चर मेंबर को स्ट्रक्चर के किसी डेटा मेंबर को पॉइंटर की मदद से एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको एरो ऑपरेटर का यूज़ करना है ओके सो दिस इज़ हाउ पॉइंटर टू स्ट्रक्चर वर्कस आई होप आपको पॉइंटर टू स्ट्रक्चर की वर्किंग समझ में आई होगी सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब माई चैनल मैं इसके आगे के टॉपिक के साथ मिलूंगा एक नए वीडियो में टिल देन टेक केयर